50 ऐसे बड़े रहस्य जो WWE आपको बताना नहीं चाहता। रोज की रेसलिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें, और एक्सक्लूसिव लिस्ट के लिए हमें फेसबुक पर फॉलो करें। हमारे नए चैनल रेसलेमिया शॉर्ट्स को भी जरूर देखें। नंबर 50, रेसलर्स टॉक ड्यूरिंग मैचेस। क्या आपने कभी सोचा है कि रेसलर्स को अपने मैच के सभी एक्शंस कैसे याद रहते हैं? खैर, आपको सोचने की जरूरत नहीं। किसी भी मैच के दौरान रेसलर्स एक दूसरे से चुपके से बात करते हैं और एक दूसरे को आने वाले एक्शंस के बारे में याद दिलाते हैं। WWE के लेजेंड जॉन सीना इस तरह से आगे के एक्शंस बताने के लिए बदनाम है, और खुलेआम ऐसे स्पॉट्स याद दिलाने की उनकी एक बुरी आदत है। नंबर 49, व्हाट यू डिडंट सी एट द रॉयल रंबल 2017। 2017 का रॉयल रंबल टेक्सास के एलमो डोम में हुआ था, और उस स्टेडियम के इतने बड़े होने की वजह से WWE ने बड़े शरीर वाले भारी भरकम रेसलर्स को आराम से रिंग तक पहुंचाने के लिए एक चालाकी करी थी। मार्क हेनरी, बिग शो और ब्रॉन स्ट्रोमैन जैसे टैलेंट्स के आराम के लिए WWE ने उन्हें कार्ड्स पर खड़ा कर दिया और किसी ने उन्हें रिंग तक पहुंचाया। इसकी कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर सामने आईं और वो देखने में बहुत मजेदार लग रहे थे। नंबर 48, WWE lies about their attendance record। WWE जैसी बड़ी रेसलिंग कंपनी को ऐसे कहने की आदत होती है कि उनकी सभी टिकट्स बिक चुकी हैं, लेकिन असल में ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। उदाहरण के लिए WrestleMania 3 और WrestleMania 32 को ही ले लीजिए। WWE ने वहां आए फैंस की गिनती को बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर बताया ताकि वो रिकॉर्ड्स तोड़ सके और उसके साथ ही वो इन इवेंट्स को और ज्यादा पॉपुलर दिखा सके। नंबर 47, How is a superstar buried alive? Buried alive match एक ऐसा मैच है जिसने अक्सर फैंस को बहुत कंफ्यूज किया है, क्योंकि शुरुआत में ये समझना काफी मुश्किल था कि WWE ऐसा कैसे कर पाती है। इसका रहस्य अक्सर एक खुफिया दरवाजे में छुपा होता है। जब कब्र पर मिट्टी गिराई जाती है, तब उसके अंदर दबा हुआ रेसलर पहले से ही नीचे से होते हुए लॉकर रूम में सुरक्षित पहुंच जाता है। हाँ, अगर उस समय की बात करें जब दी अंडरटेकर ने कब्र से अपना हाथ बाहर निकाला था, तो वो एक बगल वाले कंपार्टमेंट में मौजूद थे जिसमें वो आराम से सांस ले सकते थे। नंबर 46, हाउ डू फायरबॉल्स वर्क। WWE और WCW जैसी कंपनीज ने इस बदनाम फायरबॉल स्पॉट का बहुत इस्तेमाल किया है। इस आर्म रेसलिंग स्टंट का राज बहुत साधारण सा है। ये ट्रिक करने के लिए एक फ्लैश पेपर पर नाइट्रोसेल्युलोस नाम का पदार्थ डाला जाता है। जब इस पेपर को आग लगाया जाता है, तब ये कुछ सेकंड के लिए एक जोर की आग बनाता है। होगन ने पता नहीं कैसे ये ट्रिक करते हुए वॉरियर की जगह खुद को जला लिया और अपनी आईब्रोज की बलि चढ़ा दी। नंबर 45, फेक क्राउड नॉइज। पिछले 30 सालों से WWE को दर्शकों के नकली शोर का इस्तेमाल करने की आदत लगी हुई है, और ऐसा 1999 से 2016 के बीच स्मैकडाउन की रिकॉर्डिंग के दौरान ज्यादा किया जाता था। इस दौरान WWE ऐसे नकली शोर का इस्तेमाल करके लोगों को भ्रमित करते थे और उन्हें अपनी तरह से वो शो दिखाते थे। ये WWE का एक ऐसा राज है जिसकी दुनिया भर में बहुत आलोचना हुई है, क्योंकि ये उस WWE के मैच को देखने के असली एहसास को छीन लेता है। कुछ लोगों को वो हेयर ड्राइवर पॉप तो याद होगा ही जो स्मैकडाउन में फेमस हुआ था। द ग्रेट खली को ऐसा पॉप और कैसे ही मिलता। नंबर 44, द रेफरीज सीक्रेट। आपने कभी सोचा है कि रेसलिंग कंपनीज मैच के दौरान रिंग में मौजूद रेसलर्स को इंस्ट्रक्शंस कैसे देती हैं? ये सारी जिम्मेदारी रेफरी की होती है। रेफरी के पास एक ईयरपीस होता है जिससे बैकस्टेज बैठी टीम रेफरी से सीधा बात कर सकती है, जिसके बाद रेफरी मैच के बीच में ही वो इंस्ट्रक्शंस रेसलर्स को बता सकते हैं। नंबर 43, कमेंटेटर्स टेक लाइव डायरेक्शंस फ्रॉम मैनेजमेंट। प्रोडक्शन स्टाफ कई बार बैकस्टेज से कमेंटेटर्स को उनकी लाइंस बताते हैं, और WWE में ऐसा बहुत ज्यादा होता है, खासकर जब विंस मैकमैन सब कुछ संभालते थे। मैकमैन को दर्शकों को संभालने की आदत थी, और वो माइकल कोल और जेरी लॉलर जैसे अनाउंसर्स को बताया करते थे कि उन्हें ऑन एयर क्या बोलना है। नंबर 42, हाइडिंग एम्प्टी एरेनास। WWE और AEW जैसी कंपनीज अक्सर अपने शोज को ऐसा दिखाना चाहती हैं जैसे वो सोल्ड आउट हो चुके हों, जबकि असलियत में आधा एरेना तो खाली ही होता है। दोनों ही कंपनीज अक्सर एरेना के एक ही साइड पर शूटिंग करती हैं, और एरेना के आधे हिस्से को काले कपड़े से ढक दिया जाता है ताकि घर पर बैठे फैंस को खाली कुर्सियां ना दिखें। नंबर 41, हाउ आर रेसलर गोज थ्रू द रिंग। जब किसी रेसलर को रिंग तोड़कर उसके आर पार होना होता है, तब ऐसा करने के लिए रिंग के नीचे से लकड़ी का एक पैनल हटा दिया जाता है ताकि वो रेसलर आसानी से और पूरी सुरक्षा के साथ रिंग के आर पार जा सके। जाहिर तौर पर दूसरे रेसलर्स जिनको उसमें नहीं गिरना होता, उन्हें उस जगह से बच के रहना पड़ता है। नंबर 40, द रिंग कोलैप्सेस। किसी मैच में रिंग को तोड़ने के लिए उस रिंग को पहले से प्लान किए गए उस मोमेंट के लिए तैयार किया जाता है। रेसलर्स को एक सटीक जगह पर ही गिरना पड़ता है ताकि रिंग आराम से और सुरक्षित ढंग से टूटे, और रेसलर्स और रेफरी में से किसी को चोट भी ना लगे। नंबर 39,
हाउ रेसलर्स स्प्रिंग इनटू द रिंग। सिन कारा की एंट्री काफी मजेदार हुआ करती थी जब वो रोप्स के ऊपर से छलांग लगाकर रिंग में आते थे, लेकिन उनकी शुरुआत के कुछ ही समय बाद उनकी शानदार एंट्री का रहस्य खत्म हो गया जब ये पता चला कि कारा असल में रोप्स के ऊपर से कूदने के लिए ट्रैम्पोलिन का इस्तेमाल करते थे। इस बात का खुलासा होते ही सिन कारा की एंट्री से ट्रैम्पोलिन को हटा दिया गया क्योंकि WWE नहीं चाहती थी कि फैंस को इस एंट्री के स्टंट के पीछे का राज पता चले। नंबर 38, देयर इज अ मॉनिटर अंडर द रिंग। क्या आपने कभी सोचा है कि एक रेसलर जो रिंग के अंदर छुपा रहता है उसे पता कैसे चलता है कि उसके बाहर आने का समय हो गया है? इसका राज ये है कि उनके पास रिंग के नीचे एक मॉनिटर होता है जिसमें वो पूरा शो देख सकते हैं, और साथ ही उनके पास अक्सर एक हेडसेट भी होता है ताकि वो बैकस्टेज मौजूद टीम से बातचीत कर सकें। जब भी कोई वापसी होने वाली होती है या कोई किसी मैच में एक सरप्राइज अपीयरेंस देने वाला होता है तब अक्सर रिंग के नीचे एक टीवी मॉनिटर देखा जा सकता है। जब भी रिंग का कपड़ा ऊपर उठाया जाता है तो फैंस इस बात पर बहुत गौर करते हैं। नंबर 37, नॉट रेसलिंग ड्यूरिंग द कमर्शियल ब्रेक्स। जब 2020 में पैंडेमिक ने WWE जैसी रेसलिंग कंपनीज के काम करने का तरीका बदल दिया था तब ज्यादातर रेसलिंग कंपनीज बिना फैंस के ही अपना शो कर रही थी। WWE को उस वक्त ये एहसास हुआ कि ऐसे हालात में कमर्शियल ब्रेक्स के दौरान रेसलर्स को रेसलिंग करते रहने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन इसकी एक फुटेज ऑनलाइन लीक हो गई और फैंस को साशा बैंक्स और बेली वर्सेस एलेक्सा ब्लेस और निकी क्रॉस के मैच की एक फुटेज देखने को मिली जिसमें जैसे ही WWE का कमर्शियल ब्रेक चालू हुआ वैसे ही सारी रेसलर्स ने रेसलिंग बंद कर दी। ये एक समझदारी भरा कदम था क्योंकि जब कोई देख ही नहीं रहा तब रेसलिंग करने का कोई मतलब भी नहीं था, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि कुछ लोग तब भी ये मैच देख रहे थे क्योंकि वो एडवर्टाइजमेंट सही समय पर नहीं चल पाया था। नंबर 36, स्क्रिप्टेड प्रोमोस। ये सबको ही पता है कि WWE के ज्यादातर प्रोमोस पहले से ही लिखे होते हैं और कभी कभी तो WWE इस बात को छुपाने की कोशिश भी नहीं करता। ऐसा ही कुछ देखने को मिला जब 2020 में टकर एक लाइव सेगमेंट में अपनी प्रोमो स्क्रिप्ट हाथ में ही लेकर गए थे। WWE इस बात से भी नहीं छुपती कि रेसलर्स के फ्यूड वाले प्रोमोज भी पहले से स्क्रिप्टेड होते हैं, जैसे कि जॉन सीना और रोमन रेंस का प्रोमो जहां सीना ने रेंस को इस बात पर टोक दिया था कि वो अपनी लाइंस भूल गए। नंबर 35, मनी इन द बैंक एट WWE HQ। 2021 का मनी इन द बैंक लैडर मैच WWE के हेडक्वार्टर्स में हुआ था और ये इवेंट काफी खास था जिसमें बहुत शानदार एक्शंस शामिल थे। एक ऐसे ही एक्शन में बैरन कॉर्बिन ने रे मिस्टीरियो और एलिस्टर ब्लैक को WWE के हेडक्वार्टर्स की छत से फेंक दिया था। फैंस ये जानने के लिए बेताब थे कि WWE ने ऐसा कैसे किया, लेकिन बाद में एक क्रेन शॉट से ये सामने आया कि WWE ने वहां क्रैश पैड्स लगा रखे थे। नंबर 34, रियल बियर। वो आइकॉनिक सेगमेंट जहां स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन कॉर्पोरेशन के ऊपर बियर फेंकते हैं उसके साथ एक बड़ा रहस्य जुड़ा हुआ है। ऑस्टिन के मुताबिक WWE ने उस सेगमेंट के लिए 30 गैलन बियर का इस्तेमाल किया था, लेकिन उसके बाद उन्होंने उसकी जगह पानी रख दिया। नंबर 33, रियल मिल्क। ऐसे ही एक और सेगमेंट में जहां कर्ट एंगल ने दी अलायंस के ऊपर दूध फेंका था, वहां असल में उस सेगमेंट के लिए दूध इस्तेमाल नहीं किया गया था। एंगल के मुताबिक WWE ने पानी में सफेद रंग मिलाकर इस्तेमाल किया था जिससे ये लोगों को दूध की तरह लगे। नंबर 32, इज द स्लेज हैमर रियल। स्लेज हैमर WWE में ट्रिपल एच का सिग्नेचर हथियार है और इसका इतिहास काफी विवादों वाला रहा है। जब ट्रिपल एच ने इस हथियार का इस्तेमाल शुरू किया था तब वो अपने ओपोनेंट को इससे मारते वक्त एक नकली स्लेज हैमर का इस्तेमाल करते थे, लेकिन जब रेसलमेनिया 17 में नकली स्लेज हैमर से अंडरटेकर का सर फूट गया तब ये फैसला लिया गया कि अब हमेशा एक असली स्लेज हैमर का ही इस्तेमाल होगा। इसके बाद ट्रिपल एच हैमर के मेटल वाले हिस्से को हमेशा हाथ से छुपा लिया करते थे ताकि इस खतरनाक हथियार से मार खाने वाले रेसलर्स को कोई बड़ी चोट ना लगे। नंबर 31, इज द ग्लास रियल। जब भी रेसलिंग में ग्लास का इस्तेमाल होता है तो अक्सर वो शुगर ग्लास ही होता है। शुगर ग्लास काफी सुरक्षित होता है और उससे रेसलर्स को स्किन पर कोई भी कट नहीं लगता। बहुत सारे फैंस को 2001 का किंग ऑफ द रिंग का किस्सा याद है जब शेन मैकमैन और कर्ट एंगल को अपने स्ट्रीट फाइट में शुगर ग्लास का इस्तेमाल करना था, लेकिन WWE की प्रोडक्शन ने गलती से वहां प्लेक्सी ग्लास का इस्तेमाल कर लिया था जिसकी वजह से मैकमैन को काफी गंभीर चोटें आई थी। नंबर 30, इज द बार्ब्ड वायर रियल। कुछ रेसलिंग कंपनीज अपने रेसलर्स को मैचेस में असली बार्ब्ड वायर से इस्तेमाल करने की इजाजत देती हैं, लेकिन WWE में ये थोड़ा पेचीदा है। WWE के लेजेंड मिक फॉली के मुताबिक WWE कभी कभी असली बार्ब्ड वायर का इस्तेमाल करता है, लेकिन कुछ मौकों पर उसे बदलकर एक प्रॉप का इस्तेमाल भी किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस हथियार के प्रॉप को बनाने में रबर की नोक का इस्तेमाल होता है जिससे इसकी मार से रेसलर्स के शरीर को ज्यादा गंभीर चोट ना लगे। नंबर 29, आर द थंब टैक्स रियल। अब आप माने या ना माने लेकिन ये थंब टैक्स बिल्कुल असली होते हैं, लेकिन एक ऐसा राज है जिससे दर्द कम हो जाता है। इन थंब टैक्स पर पीठ के बल गिरना किसी और तरह से गिरने से कम दर्दनाक होता है। नंबर 28, इज द गार्बेज कैन फेक। गार्बेज कैंस रेसलिंग के सबसे सुरक्षित हथियारों में से एक है। WWE में ये कैंस या तो एल्यूमिनियम के बनते हैं या फिर टिन के, और ये बहुत पतले होते हैं जिसकी वजह से इनसे जिस भी रेसलर पर हमला किया जाता है उन्हें बिल्कुल ना के बराबर ही चोट लगती है।
नंबर 27, हाउ डिड द अंडरटेकर एस्केप। 1998 के रॉयल रंबल में केन ने अपने भाई द अंडरटेकर को एक चोक स्लैम मारकर एक कास्केट में फेंक दिया था, जिसके बाद उस कास्केट को आग लगा दी गई थी। लेकिन आखिरकार द डेड मैन उस कास्केट से गायब कैसे हुए थे? खैर, हुआ कुछ ऐसा था कि कास्केट को रिंग के किनारे लगे कपड़े के पास रखा गया था और उस कास्केट में एक खास कंपार्टमेंट बनाया गया था, जिसकी मदद से अंडरटेकर बिना किसी मुश्किल के रोल होकर उस फ्लेम्स ऑफ डिस्ट्रक्शन से बच गए थे। नंबर 26, हाउ पॉल बेयरर सर्वाइव्ड गेटिंग बरीड इन सीमेंट। 2004 के द ग्रेट अमेरिकन बैश पे पर व्यू में पॉल बेयरर को जिंदा ही सीमेंट में दफना दिया गया था, और ऐसा करने के लिए WWE ने टैंक में मौजूद बेयरर की कुछ पहले से रिकॉर्ड की हुई वीडियोस का इस्तेमाल किया था। और वहीं उस समय की लाइव पे पर व्यू में दिखाई गई बेयरर की वीडियो में असल में वहां टैंक में बेयरर की जगह एक स्टंटमैन को रखा गया था। नंबर 25, डज WWE यूज फेक साइंस। ज्यादातर साइंस जो फैंस शोज में लेकर आते हैं वो बिल्कुल असली होते हैं, लेकिन WWE जैसी कुछ कंपनीज खुद भी कुछ साइंस बांटती हैं अपनी कहानियों को बढ़ावा देने के लिए। ऐसा देखने को मिला था 2018 में, जब WWE ने ऐसे साइंस बांटे थे जिसमें लिखा था कि फैंस WWE में एक विमेंस टैग टीम टाइटल्स का भी मैच होता देखना चाहते हैं, और फिर उसके कुछ ही महीनों बाद WWE प्रोग्रामिंग पर उस टाइटल की शुरुआत कर दी गई। नंबर 24, व्हाई डू रेसलर्स च्यू गम। रेसलर्स अक्सर इसलिए गम खाते हैं ताकि इससे सलाइवा बने और उनका मुंह ना सूखे। इसके अलावा एक चाल ये भी होती है कि किसी एक स्पॉट में रेसलर्स ये गम मुंह से थूकते हैं और कमेंटेटर्स ऐसा दिखाते हैं जैसे उस रेसलर का एक दांत टूट गया हो। नंबर 23, द मनी इन द बैंक ब्रीफकेस इज एक्चुअली एम्प्टी। WWE के नियमों के मुताबिक मनी इन द बैंक के ब्रीफकेस में एक कॉन्ट्रैक्ट रखा होना चाहिए, लेकिन असल में वो ब्रीफकेस पूरी तरह खाली होता है। ऐसा 2022 में रॉ में देखने को मिला था, जब ऑस्टिन थ्योरी का मनी इन द बैंक ब्रीफकेस पूरी तरह खुल गया और उसके अंदर कुछ भी न होने की बात दुनिया के सामने आ गई। नंबर 22, हाउ डू ब्लाइंड फोल्डेड मैचेस एक्चुअली वर्क। आजकल की रेसलिंग में ब्लाइंड फोल्डेड मैचेस काफी कम देखने को मिलते हैं, लेकिन सबसे मशहूर ब्लाइंड फोल्डेड मैच रेसलमेनिया 7 में जेक द स्नेक रॉबर्ट्स और रिक मार्टेल के बीच हुआ था। उस मैच का ब्लाइंड फोल्ड का भ्रम मैच की शुरुआत में ही खत्म हो गया था, जब रॉबर्ट्स ने अपने ब्लाइंड फोल्ड वाले हुड में अपना हाथ डाला और उनका हाथ उस हुड के बाहर से साफ दिख रहा था, जिसका मतलब ये था कि ऐसे मैचेस में रेसलर्स को सब कुछ दिखाई देता है। नंबर 21, लार्जर देन लाइफ। WWE को अपने रेसलर्स को बहुत बड़ा और शानदार दिखाना पसंद है, और कैमरे का खेल WWE को ऐसा करने में बहुत मदद करता है। 2021 में मिस्टीरियस और ऑस्टिन थ्योरी के बीच एक बैकस्टेज सेगमेंट के दौरान कैमरा जब थोड़ा पीछे की तरफ किया गया, तब ये सामने आया कि उनके इंटरव्यूअर केविन पैट्रिक थोड़ा पैर मोड़ के खड़े हुए थे ताकि वो छोटे लगे, और इसके साथ ही वहाँ पर मौजूद रेसलर्स असल में जितने बड़े हैं उससे भी बड़े लगे। नंबर 20, ब्रेस सेट ऑन फायर फॉर रियल। 2020 के WWE का पे पर व्यू कैलेंडर एक फायरफ्लाई इन्फर्नो मैच के साथ खत्म हुआ, जिसमें रैंडी ऑर्टन ने द फीन्ड को आग लगा दी थी। ऐसा करने के लिए WWE ने ये मैच पहले से ही रिकॉर्ड करके रखा, क्योंकि वहां कोई भी फैंस मौजूद नहीं थे और आग वाले सीन के लिए एक लकड़ी के डमी का इस्तेमाल किया गया था। जब द फीन्ड स्क्रीन पर लड़ते हुए दिखे तो माना जाता है कि वो खुद ब्रे वाइट ही थे, और उन्होंने एक फायर प्रूफ जैकेट पहना हुआ था और अपने स्किन पर फायर प्रूफ जेल लगा रखा था। नंबर 19, रिंग साइड डॉक्टर। WWE में रिंग साइड पर एक डॉक्टर रखा जाता है ताकि अगर किसी रेसलर को कोई दिक्कत हो तो वो सीधे एक प्रोफेशनल डॉक्टर से बात कर सके। ऐसा 2021 में शेमस और उम्बर्टो कैरिलो के बीच एक मैच के दौरान देखने को मिला था। उस मैच में उम्बर्टो ने शेमस के ऊपर रिंग के बाहर एक सनसेट फ्लिप पावर बॉम्ब का इस्तेमाल किया था। दिक्कत ये थी कि शेमस सीधे उम्बर्टो के घुटने पर गिरे थे, और फिर उम्बर्टो ने रिंग साइड डॉक्टर को इशारा करके बताया कि उन्हें सच में चोट लग गई है और अब इस मैच को यहीं रोकना पड़ेगा। नंबर 18, क्रैश पैड्स आर एक्चुअली यूज्ड। 2021 में ये बात सामने आई कि WWE ने हेल इन अ सेल मैचेस के दौरान क्रैश पैड्स का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। बॉबी लैशली और ड्रू मैकइंटायर के बीच एक मैच में जो हेल इन अ सेल पे पर व्यू में हुआ था, उसमें मैकइंटायर को रिंग के बाहर चोक स्लैम देकर एक टेबल पर पटका गया था। मजेदार बात ये रही कि मैकइंटायर एक क्रैश पैड पर जाकर गिरे, और इस बात की उन फैंस ने बहुत आलोचना करी जिन्हें लगता है कि इस तरह के मैच में क्रैश पैड्स की कोई जगह नहीं होनी चाहिए। इसका इस्तेमाल शेन मैकमैन और द अंडरटेकर के बीच एक मैच के दौरान भी किया गया था। जब शेन ने हेल इन अ सेल के ऊपर से छलांग लगाई, तब अनाउंसर्स के टेबल के बीच में क्रैश पैड्स को साफ तौर पर देखा जा सकता है। नंबर 17, क्रू मेंबर अंडर द रिंग। क्रैश पैड्स की बात कर ही रहे हैं तो WWE के पास एक अच्छा तरीका था जिससे वो इस तरह की सुरक्षा की चीजों को गायब कर सकते थे। मैच के दौरान WWE रिंग के नीचे एक क्रू मेंबर को छुपा कर रखता है, जिनका काम होता है कि वो इन क्रैश पैड्स को किसी भी शॉट में आने से बचाएं। इसके साथ सिर्फ एक ही दिक्कत थी, और वो ये कि उस क्रू मेंबर ने अपना काम ढंग से नहीं किया और क्रैश पैड के साथ उसका हाथ आराम से लाइव ब्रॉडकास्ट में देखा जा सकता है। नंबर 16, ग्रेट लेंथ टू हाइड रिटर्न्स।
जब कोई रेसलर WWE और AEW जैसी कंपनीज में वापसी करता है, तब वो कंपनी उस बात को एक राज बनाए रखने के लिए काफी मेहनत करती है। केवल कुछ ही लोगों को इस बात की खबर होती है और जिस दिन वापसी होने वाली होती है उस दिन उस रेसलर को छुपा दिया जाता है। जब वो रेसलर एरेना में पहुंचता है तब उन्हें लॉकर रूम में भी नहीं जाने दिया जाता, बल्कि उन्हें किसी गाड़ी या प्रोडक्शन वालों के ट्रक में तब तक रखा जाता है जब तक उनकी बड़ी वापसी का समय नहीं आ जाता। नंबर 15, बैरिकेड स्पॉट्स। पिछले 10 सालों में एक स्पॉट जो बहुत सफल रहा है वो है बैरिकेड स्पॉट। रेसलर के बैरिकेड तोड़ने वाले स्पॉट को WWE में काफी ज्यादा बार इस्तेमाल किया गया है और इसके पीछे एक चालाकी है। जिस बैरिकेड पर ये स्पॉट किया जाता है उसे पहले से ही अलग कर दिया जाता है और रेसलर को बस थोड़ी ताकत के साथ उस पर गिरने की जरूरत होती है जिससे वो टूट जाए। उस बैरिकेड में बहुत सारे पैड्स भी लगाए जाते हैं जिससे ये किसी भी WWE रेसलर के लिए एक मैच में करने के लिए बहुत सुरक्षित एक्शन बन जाता है। नंबर 14, गेट डाउन फ्रॉम देयर। क्या आपने कभी सोचा है कि रेफरीज रेसलर्स को टॉप रोप से नीचे उतरने के लिए क्यों कहते हैं? नियमों के हिसाब से टॉप रोप पर चढ़ने वाले रेसलर्स को डिस्क्वालिफाई कर देना चाहिए। जब कोई रेसलर टॉप रोप पर चढ़ता है तब वो तकनीकी रूप से रिंग से बाहर होता है। जब भी रेसलर्स रोप्स का इस्तेमाल करते हैं तब 5 काउंट्स किया जाता है और इसलिए टॉप रोप पर भी ये 5 काउंट लागू होता है। नंबर 13, द रोप स्नैप। 2021 के एक्सट्रीम रूल्स पे पर व्यू में फिन बैलर और रोमन रेंस का मैच मेन इवेंट में शामिल था। मैच के अंत में रिंग की रोप्स टूट जाती हैं जब बैलर अपना फिनिशिंग मूव कूप डी ग्रास करने की कोशिश करते हैं। ऐसा कैसे किया गया था इसका रहस्य काफी साधारण सा है, क्योंकि इसके लिए WWE के प्रोडक्शन के एक सदस्य ने बस रस्सियां काट दी थी। उस वक्त अजीब सी लाल रोशनी की वजह से ये आदमी घर बैठे दर्शकों को नहीं दिख पाया था, लेकिन वहां मौजूद फैंस ने यह चालाकी तुरंत ही पकड़ ली। नंबर 12, व्हाई डू रेसलर्स कम आउट वेट। लंबे बालों वाले रेसलर्स अक्सर बाहर आने से पहले अपने बाल भिगाना पसंद करते हैं और इसका मुख्य कारण यह है कि इससे उनका दिमाग ठंडा रहता है, लेकिन इसकी वजह से वो अपने मैचेस में एक्शंस को और ज्यादा शानदार ढंग से दिखा पाते हैं। इसका मतलब यह है कि जब उन्हें पटका जाता है तब उनके बाल ऊपर की तरफ उठते हैं जिससे फैंस के लिए एक शानदार नजारा बनता है। नंबर 11, WWE एक्चुअली यूजेस फेक माइक्रोफोन्स। जब भी WWE में बैकस्टेज में कोई इंटरव्यू होता है तब अक्सर एक नकली माइक्रोफोन का इस्तेमाल किया जाता है। वो माइक्रोफोन केवल एक प्रॉप होता है और असल में आवाज एक बूम माइक से रिकॉर्ड की जाती है। इसी वजह से रेसलर्स को तब भी सुना जा सकता है जब उनके हाथों में कोई माइक्रोफोन नहीं होता। नंबर 10, विंस मैकमैन्स लिमो एक्सप्लोड्स। 2007 में WWE टीवी के सबसे बदनाम सेगमेंट्स में से एक में देखा गया था कि विंस मैकमैन की लिमो ब्लास्ट हो गई थी। ऐसा करने के लिए पहले से रिकॉर्ड की गई वीडियोस का इस्तेमाल किया गया और जब असल में वो लिमो ब्लास्ट हुई थी तब उस गाड़ी के आसपास कोई भी नहीं था, जिसका मतलब था कि कोई भी खतरे में नहीं था। आप ये वीडियो में जमीन पर भी देख सकते हैं जब ये पूरी तरह गीली थी और आग लगने पर नहीं थी। नंबर 9, आर कैंडो स्टिक्स रियल। आजकल की रेसलिंग में कैंडो स्टिक्स बहुत आम हो गई हैं और WWE को किसी भी हार्डकोर स्टाइल मैचेस में इनका इस्तेमाल करना बहुत पसंद है। ये कैंडो स्टिक्स खोखली लकड़ी के बनाए जाते हैं और दोनों तरफ से इन पर टेप लगाया जाता है ताकि स्टिक जुड़ी रहे। कुछ वार के बाद ये स्टिक्स टूट जाती हैं और ये एक सुरक्षित हथियार है, लेकिन सिर्फ तब तक जब तक इसकी लकड़ी के किनारे टूट कर चुभने नहीं लगते, क्योंकि उसके बाद थोड़ी चोट लग सकती है। नंबर 8, हाउ आर गिटार्स फेक्ड। गिटार एक ट्रेडमार्क हथियार है जिसे जेफ जैरेट और एलाइस जैसे रेसलर्स इस्तेमाल करते हैं। रेसलिंग में इस्तेमाल किए जाने वाले गिटार्स अक्सर असली होते हैं, लेकिन उन्हें अंदर से काट दिया जाता है जिससे उनका वजन हल्का हो जाता है और वो आसानी से टूट भी जाते हैं, जिससे जैसे ही वो एक रेसलर के सर पर मारे जाते हैं ये गिटार्स कई टुकड़ों में टूट जाते हैं। लेकिन ऐसा 1987 में जेक रॉबर्ट्स के साथ नहीं हुआ था, क्योंकि गलती से वो गिटार सच में असली था। नंबर 7, आर द लैडर रियल। हालांकि WWE में इस्तेमाल की जाने वाली लैडर एक आम लैडर से अलग होती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो खतरनाक नहीं होती। मुख्य अंतर ये होता है कि उन लैडर्स का स्टील खोखला होता है जिससे सीढ़ियां हल्की होती हैं ताकि ओपोनेंट्स को मारी जा सके। बीते सालों में लैडर से लगने वाली चोटों को टाला नहीं जा सकता था। नंबर 6, आर द चेयर्स रियल इन WWE। शायद चेयर्स रेसलिंग में सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया गया हथियार है, और जब बात स्टील चेयर्स की होती है तो एक राज है जो ज्यादातर फैंस को नहीं पता। एक आम चेयर और रेसलिंग में इस्तेमाल की जाने वाली चेयर में मुख्य अंतर ये होता है कि रेसलिंग के चेयर्स के पेंच निकाल दिए जाते हैं जिससे वो पूरी तरह मुड़ पाती हैं और ये इस्तेमाल करने में और सुरक्षित हो जाती हैं, खासकर तब जब इसे रेसलर की पीठ पर मारा जाए। नंबर 5, हाउ WWE फेक टेबल्स। टेबल्स रेसलिंग में इस्तेमाल किए जाने वाले आइकॉनिक हथियारों में से एक है, लेकिन ये उतने खतरनाक भी नहीं होती। इन टेबल्स को पतले क्लिपबोर्ड से बनाया जाता है और ये मुश्किल से एक इंसान का वजन उठा पाती हैं, जिसकी वजह से जब भी कोई रेसलर इस पर गिरता है तब एक धमाका होता है जिससे बहुत तेज आवाज होती है जिससे हमेशा फैंस में जोश आ जाता है। नंबर 4, द रोल ऑफ द रेफरी।
रेफरी का काम केवल 1-2-3 गिनना ही नहीं होता, क्योंकि एक मैच में रेफरी बहुत आम भूमिका निभाता है। अक्सर रेफरीज को पता होता है कि मैच कैसे होने वाला है, और इसलिए जब भी कोई स्पॉट गलत होता है तब इन रेफरीज का इस्तेमाल करके मैच को सही दिशा दी जा सकती है। ऐसा रेसलिंग के इतिहास में कई बार देखने को मिला है। उदाहरण के लिए 2018 के एवोल्यूशन पे-पर-व्यू में बेकी लिंच एक चेयर तक पहुँचने की कोशिश कर रही थी, जिससे वो फिगर 8 से बाहर निकल सकती थी। लिंच उस चेयर तक नहीं पहुंच पा रही थी, इसलिए रेफरी ने वो चेयर लिंच की तरफ धकेल दी, जिससे वो स्पॉट प्लान के मुताबिक पूरा हो सके। नंबर 3, चेकिंग ऑन अ रेसलर। मैच में एक बड़े स्पॉट के बाद ये जरूरी होता है कि रेफरी रेसलर से पूछे कि उन्हें कोई चोट तो नहीं लगी। ऐसा करने के लिए रेफरी हर रेसलर के पास जाता है और उनका हाथ पकड़ता है, और अगर उस रेसलर ने बदले में रेफरी का हाथ दबाया तो इसका मतलब होता है कि वो बिल्कुल ठीक है। ये एक बहुत बढ़िया तरीका है मैच में रेसलर्स की सुरक्षा सुनिश्चित करने का, और एक बार आपको पता चल जाए कि ये कैसा होता है तो टीवी पर कोई मैच देखते वक्त इसको नजरअंदाज करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। नंबर 2, ब्लड इन द पीजी एरा। जब बात पीजी एरा में खून की हो तो ये बहुत मुश्किल शर्तों पर ही इस्तेमाल किया जाता है। रेसलर्स के खून निकलने का एक तरीका अक्सर बहुत मुश्किल तरीका माना जाता है, जैसा देखा गया था जब 2016 के समर स्लैम में ब्रॉक लेसनर ने रैंडी ऑर्टन का खून निकाला था। ये अक्सर एक कोहनी से किया जाता है, और ये खून निकालने का सुरक्षित तरीका माना जाता है। ऐसा करने का दूसरा तरीका एक ब्लड कैप्सूल वाला है, और ये रोमन रेंस और ट्रिपल एच के बीच एक झगड़े में देखा गया था, लेकिन ये बहुत साफ दिखता है और देखने में नकली सा लग सकता है। नंबर 1, ब्लड आउटसाइड ऑफ द पीजी एरा। एक मैच में रेसलर्स का खून निकालने का ट्रेडिशनल तरीका होता है एक रेजर ब्लेड का इस्तेमाल करना। ये रेजर अक्सर उनकी कलाई के टेप में होता था, और यहाँ तक कि रेफरी भी इसे रेसलर्स को दे सकता था। रेसलर्स के माथे पर एक छोटा कट उसके पसीने के साथ मिलता था, और बदले में हमें एक भयानक खूनी नजारा देखने को मिलता था। और यहाँ खत्म होते हैं हमारे 50 ऐसे रहस्य जो WWE आपको बताना नहीं चाहता। क्या ऐसे और भी राज हैं? नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताएं, और हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में ऐसे ही और रेसलिंग कंटेंट के साथ।